हेलो दोस्तों, पोकेवेक्स हिंदी में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐश की उन पोकेमोन के बारे में। दोस्तों, ऐश ने अपनी पूरी जर्नी में बहुत सारे पोकेमोन पकड़े हुए हैं, यानी उसमें से बहुत सारे पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम उन स्ट्रांग पोकेमोन्स के बारे में तो बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं दोस्तों। तो हम इन सारे पोकेमोन्स में से, यानी ऐश ने अब तक जितने भी पोकेमोन्स पकड़े हैं, उन सारे पोकेमोन्स में से पाँच वर्स्ट पोकेमोन निकाले हैं, यानी ऐश के 5 वर्स्ट पोकेमोन। तो गाइज, ये लिस्ट मेरी है, तो अगर आपका कोई फेवरेट पोकेमोन इस लिस्ट में आता हो तो प्लीज़, पहले ही बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार माफ़ कर देना अगर लिस्ट पसंद नहीं आए तो। अगर कोई और लिस्ट में बदलाव करना है तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन, यानी 5th पोजीशन जो पोकेमोन बनाता है वो है ऐश का यूनोवा का पैल्पिटोड। दोस्तों, ऐश ने इसे यूनोवा रीजन में पकड़ा था। और दोस्तों, ये पोकेमोन वाटर और ग्राउंड टाइप है। दोस्तों, ये पोकेमोन ने ऐश के लिए बहुत सारे बैटल्स हरा के दिए हैं, यानी वो हारा है बहुत सारे बैटल्स। और इसका रीज़न है कि उसकी ट्रेनिंग, गाइस इसकी जो ट्रेनिंग है ना वो कंप्लीट नहीं हुई थी, यानी ऐश इसे ट्रेनिंग दे देता था बिकॉज कि ऐश के टीम में पहले से ही एक वाटर टाइप पोकेमोन था जो कि ऑशवॉट, और एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी था जो था क्रोकोडाइल। दोस्तों, तो ये दोनों पोकेमोन बहुत ही स्ट्रांग पोकेमोन थे उसके, इसलिए उसे पैल्पिटोड की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए वो हमारी लिस्ट में नंबर आता है। दोस्तों, जो पोकेमोन हमारे नंबर 4 पे आता है वो भी एक यूनोवा का पोकेमोन है और वो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों जो अगला पोकेमोन है वो है अनफेजेंट। दोस्तों, अनफेजेंट एक बहुत ही घटिया पोकेमोन है ऐश का, मतलब फ्लाइंग टाइप के बारे में बता रहा हूँ यार, क्योंकि अनफेजेंट अब तक उसने उसे बहुत सारे बैटल्स हराई है, फ्लाइंग टाइप बैटल्स। भले उसे उसमें एडवांटेज था, फिर भी उसने उसे उस ऐश को वो बैटल्स हरा के दिए, यानी हार के दिए। सो अनफेजेंट को इस लिस्ट में 4th नंबर पर इसलिए लाया हूँ गाइस, क्योंकि आगे की लिस्ट में और भी बेहतरीन अलग अलग किस्म के पोकेमोन्स है दोस्तों, इसलिए अनप्रेजेंट इस लिस्ट में है। तो नंबर 3rd पोजीशन पे आता है वो है वो इनका पोकेमोन, बट उसे उसने पकड़ा था बैटल फ्रंटियर के जमाने में, और वो है ऐश का फायर और ग्राउंड टाइप पोकेमोन टॉर्कोल। दोस्तों, टॉर्कोल को उसने एडवांस एडवेंचर में पकड़ा था ओके, तो उसके बाद टॉर्कोल बहुत ही वीक पोकेमोन है उसका, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे अच्छे पोकेमोन से, जैसे स्टीलिक्स, रेजिस्टील, रेजी आइस, इन सब के सामने एडवांटेज था, फिर भी वो उनके सामने हार चुका है। हाँ गाइस, ये फायर टाइप होने गया थे, उसको स्टीलिक्स के सामने एडवांटेज था कि, फिर भी वो स्टीलिक्स से हार गया। फिर उसके बाद रेजिस्टील के साथ भी वो हार गया। रेजिस्टील भी स्टील टाइप पोकेमोन है और ये फायर टाइप पोकेमोन है, तो ये वो भी रेजिस्टील के सामने ये हार गया। दोस्तों, इसलिए टॉर्कोल हमारे लिस्ट में 3rd पोजीशन की जगह बनाता है ओके। तो दोस्तों, जो पोकेमोन नंबर 2 के स्पॉट पे आता है ऐश का वर्स्ट वाला, तो वो है उसका टॉरोस। दोस्तों, टॉरोस एक नहीं बल्कि उसके पास पूरे 30 टॉरोस थे। हाँ गाइस, ऐश के पास पूरे 30 टॉरोस थे, और इस टॉरोस को हमें सबसे पहले बताया गया था ऑरेंज लीग में, जहाँ पे उसने ड्रैगनाइट से बहुत ही बढ़िया ये किया, और बाद में उसने थोड़े बहुत मैचेस भी जीते, पर वो हालांकि ज़्यादा मैचेस हार जाता था, जैसे कि जोटो रीजन में भी उसने उसे मदद की थी विनोसॉर के सामने। और दोस्तों, इसके ऐश के पास 30 टॉरोस है, और उसको पता नहीं चलता कि वो 30 में से कौन से टॉरोस के साथ मुकाबला करेगा, मतलब कौन सा टॉरोस यूज़ करेगा, इसलिए टॉरोस को कोई ट्रेनिंग का अनुभव नहीं है, इसलिए वो हमारे लिस्ट में इस पूरे लिस्ट में 2nd नंबर की पोजीशन होल्ड करते हैं। और दोस्तों, जो पोकेमोन हमारे लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पे आता है, यस गाइस, जो पोकेमोन आज की लिस्ट में टॉप 5 वर्स्ट पोकेमोन की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, उस पोकेमोन का नाम है
टोर्टेरा। जी हाँ गाइस, ये मेरा बेस्ट एवर फेवरेट पोकेमोन है। बट क्या करूँ यार, ऐश का टोर्टेरा बहुत वीक है यार। तुम लोगों को अगर पता नहीं होगा तो ऐश का टोर्टेरा ऐसा पोकेमोन है जिसको इवॉल्व होना नहीं चाहिए था। यानी ऐश का टोर्टेरा जब टर्टविक था तब वो बहुत फास्ट और एकदम ताकतवर था। बट जैसे ही वो ग्रोटल में इवॉल्व हो जाता है उसकी स्पीड चली जाती है और वो थोड़ा कम ताकतवर बनता जाता है। बट जैसे ही वो टोर्टेरा में बन जाता है वो थोड़ा सा ताकतवर और बहुत ही कम स्पीड वाला बन जाता है। और दोस्तों है ये बहुत ही ऐश के लिए बहुत ही बकवास पोकेमोन है। ठीक है ऐश, बुरा मत मान यार। ठीक है ओके गाइस, तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब से भर देना आज के वीडियो को यार। बहुत ही जल्द हम 3 पॉइंट पर कंप्लीट कर लेंगे। और गाइस अगर आपको ये थियरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना मत भूलना। आज का लाइक है मैं 40 लाइक्स का बहुत बड़ा लाइक है मैं, बट मुझे पता है तुम लोग कर लोगे यार। और अगर वीडियो पसंद करते हो तो शेयर करना मत भूलना। अब मिलता अगले थियोरी में, बाय बाय।